ओके हर्षदा, ये गोल्ड प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 72,000 की ट्रेजेक्ट्री है। टाइटन आज भाग रहा है, हल्का सा पुल बैक है 3706 पे, लेकिन आज सुबह सीधे सौदा में नीरज जी कुछ ग्राउंड रियलिटीज बता रहे थे कि आभूषण खरीदना इस वक्त ड्राई हो गया है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो ये टाइटन के फेवर में तो नहीं है एटलीस्ट, है ना? है ये ऐसा है, हो रहा है 72,000 पे सोना? नीरू ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही खरीदती हूँ। मैंने आभूषण खरीदे जमाना हो गया, जमाना ठीक है, तो टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन कम्प्लीटली। लेकिन हाँ, मैं किसी से सुन रही थी कि वो एक्सचेंज वाला ही सोना इस समय अगर कोई न्यू ज्वेलरी खरीद भी रहा है, वो पुरानी एक्सचेंज करके नहीं ले रहे हैं। तो ये चार्ट चेक या फिर ये मार्केट चेक आप गलत आदमी से करा रहे हो। ये एक्चुअली वो दीपन मेहता सही कह रहे थे कि उनकी तरफ उन पर काफी ज्यादा प्रेशर है, तो ये सातपुते जी से पूछते हैं। सातपुते जी, कल गुड़ी पाड़वा के लिए कुछ ऐसा प्रेशर आया कि जाकर कुछ सोना वोना खरीदा जाए? नहीं नहीं हर्षदा जी, मैं भी आपके साथ ही हूँ। मुझे लगता है कि ये लेवल ऐसा है कि इस लेवल पे तो फ्रेश तो बाय करने का मुझे लगता है कि कोई चांस ही नहीं। मुझे याद है मैंने जब लास्ट टाइम किया था, दैट टाइम इट वॉज 32,000, और उसके बाद तो मैंने कभी लिया नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हो रहा है वो सिर्फ एक्सचेंज का ही काम हो रहा है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी है इस फील्ड में, तो उनसे जब बात हुई तो भाई उन्होंने यही कहा कि राजेश, एट दिस लेवल फ्रेश कोई कैश डिपॉजिट करेगा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, लेकिन जो पुराना है उसी में थोड़ा सा घुमा के कुछ काम होता है, तो आप कह सकते हैं कि वही चल रहा है आजकल। धर्मेश जी, कुछ है क्या चैनल चेक इस पे कि सोने में लोग इन लेवल्स पर खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं? अभी तो वैसे वो शादी वादी वाली डिमांड नहीं है, लेकिन अगर प्री प्लानिंग में किसी को लेना हो तो कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, जो नंबर्स आए थे बिजनेस अपडेट में, वो नंबर तो स्ट्रांग आए थे टाइटन्स के भी, कल्याण ज्वेलर्स सबके नंबर स्ट्रांग आए थे। बट यहाँ पे ये काफ़ी मुद्दे वाली बात रहेगी कि ये जो रेवेन्यू में ये माइनस करते हैं या नहीं करते एक्सचेंज का। सो अगर वो एडजस्ट करने के बाद के ये नंबर है, तब तो ये क्लियर कट साइन है कि 18-20% के आसपास का ग्रोथ के नंबर से, तो फिर तो बाइंग हो ही रही है ओवरऑल। थोड़ा बहुत एक्सचेंज का बढ़ा होगा शेयर, बट द बाइंग हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो नंबर्स आए थे इसमें एक्सचेंज वाला एडजस्टमेंट के बाद का नंबर है या पहले का नंबर है। मेरे ख्याल में वो तो वैसे भी पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे, ये तो प्राइसेस अभी बढ़ना शुरू हुई हैं, इतना स्पाइक आ रही हैं, तो देखते हैं ये Q1 के नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। बहरहाल कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लिख रहा था, इस पर एक टेक चेक ले ही लेते हैं। बहेती जी बताइए, टाइटन पर ट्रेड क्या बनेगा फिर, क्योंकि वो हल्का सा ऊपर है लेकिन बाकी प्लेयर्स आप देखिएगा, सेनको हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, इन सब में ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं। जी हर्षदा जी, सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं ग्लोबल के गोल्ड प्राइसेस से कंपेयर करूं इंडियन प्राइसेस को, कंसिडरिंग इवन जो वहां 3 troy ounce का रेट है और यहां पर हमारे केजीज में रेट है, और करेंसी का भी मार्कअप, करेंसी का भी एडजस्टमेंट कर दूं, तो भी इंडिया में अभी 3,000 रुपए करीब करीब गोल्ड जो सस्ता चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो जो आप बता रहे हो कि गोल्ड में बाइंग नहीं हो रही है, वो क्लियरली विजिबल है कि गोल्ड यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा डिस्काउंटेड है कम्पेयर टू पैरिटी प्राइस। और जैसे आपका टाइटन का सेटअप बना हुआ है, 20 DMA पे प्लेस्ड है, और जहां से एक सपोर्ट जोन से अभी बाउंस बैक वापस देने का अटेम्प्ट कर रहा है, हमें लग रहा है कि एक अच्छा जोन है, खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे 3670 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लग रहा है इसमें वेल प्लेस्ड है 3750 तक के लेवल दिखाने के लिए। ओके, तो टाइटन पर एक शायद ट्रेड बनता दिखाई देगा। लेकर आते हैं स्क्रीन पर आपके कुछ और ट्रेड्स जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो BPCL स्क्रीन पर रखिएगा, और प्रशांत आप बताइए आज का ये पुलबैक अगला लेवल क्या रहेगा, करीब 600 के आसपास लौटता हुआ ये काउंटर नजर आने लगा है। तो हर्षा जी, यहाँ पे एक चीज जो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा वो है कि बेस बन चुकी है ऑलमोस्ट, यानी आसार सारे नजर आ रहे हैं कि बेस फॉर्मेशन हो चुका है, और अभी हम करीबन ऑलमोस्ट 600 के स्ट्राइकिंग रेंज में, जैसे आपने कहा, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा वो 580 का, इससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, 580 स्पॉट क्लोजिंग। कोई ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहा है तो वो 588 का स्टॉप लॉस लगा सकता है, 588। आपका जो टारगेट वन होगा वो होगा 620, और 620 के ऊपर नेक्स्ट लेवल होगा 640। ओवरऑल मुझे लग रहा है सिर्फ वॉल्यूम और मोमेंटम पिक होने की देरी है, जो शायद ये 605 क्रॉस हो जाए तो बहुत जल्द हो सकता है। ओके, BPCL 596 पर। मीन वाइल मैंने कल क्लोजिंग में भी इस बात का उल्लेख कर रहा था कि जो स्टेट्स पावर स्टॉक्स के हैं
वो बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, टाटा पावर, एनटीपीसी और एक मेरे ख्याल से सीएससी का जिक्र मैंने किया था। टाटा पावर अब अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ 435.70 पे। प्रकाश सर, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न और आई थिंक एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑल टाइम हाई। आप कैसे अप्रोच करेंगे टाटा पावर को इस वक्त? ट्रेड कर रहे हैं टाटा पावर, पैटर्न बाय मोड पर है, स्टॉप लगाना चाहिए अराउंड 430 का, 6 रुपीज और कंटिन्यू राइट द ट्रेंड। नियर टर्म टारगेट मुझे लगता है 450 का होना चाहिए, 15 रुपीज अप फ्रॉम वेयर। उसे एक दो तीन दिन लग सकते हैं, लेकिन इट्स अ सेफर बेट टाटा पावर, बिल्कुल बाय मोड पर। जी हाँ, टाटा पावर बाय मोड पे 436.50 एक पॉसिबल स्टॉप लॉसेस पे आपको दे दिए गए हैं। एक चीज़ और अच्छी हो रही है देखिए, और वो है रिलायंस एक तो डी हाई पर आ गया है अब 2967 पे। एक इंडेक्स में आपने रिवर्सल देखा होगा अब तक जो नज़र आ रहा है, लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का कल का लो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आज का लो भी वही है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल के लॉसेस को अप्रॉक्सीमेटली 50% कंपनसेट कर चुके हैं। That means एक thrust SBI, that means एक thrust Canara Bank generate कर रहा है और वो bank Nifty को swing दे रहा है। मेरे लिए as of now दो चीजें screen पे impress कर रही हैं, it's PSU Bank stocks और Reliance 2970। PSU banks में मानस कुछ pick करेंगे आप? देखिए जो trend है वो stock में जो PSU bank है उसमें तो definitely positive है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ही ट्रेड लेना होगा क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि ऊपर की तरफ ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। करंट लेवल्स पे आप 762 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट अगर एक से दो दिनों की बात करें तो 782 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो पीएसयू बैंकों में एसबीआई एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, 782 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इंटरग्लोब एविएशन पर हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे आशीष चतुर्मोता से। प्रशांत, एक बार नजर डालेंगे इस ट्रेड पर, करीब 3.5% का इजाफा ये काउंटर दिखा रहा है, क्या 3668 पर नया सौदा लें? तो अर्षा जी, मैंने जस्ट ये चार्ट चेक किया था और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर कोई लेना भी चाहे, अगर आपको जस्ट इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करना हो तो मुझे लग रहा है अभी हम 3765-70 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आप स्टॉप लॉस सिर्फ रखिए 3750 0.5% रिस्क। ये ट्रिगर हो जाए तो बाहर हो जाइए, जब तक ये बरकरार आ रहा है आपको शायद 3800 के लेवल दिख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 3750। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लेना है अगर आप इस मोमेंटम को चेज करना चाहते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी पर राजेश जी नजर गई क्या, क्योंकि आप वैसे गैस कंपनियों की बात कर रहे थे, पेट्रोनेट एलएनजी में एक मोमेंटम है आज सुबह सवेरे, स्टॉक करीब 3% ऊपर और ओआई एडिशन 4% का जोड़ लिया है, अच्छा खासा मोमेंटम, नियरली 14 लाख शेयरों का ओआई जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा जी, मैं इसको वॉच कर रहा था कि इसमें देखिए दो चीजें मुझे प्रोमिनेंटली अच्छी लग रही है। एक तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है, एक चैनल था जिसका लोअर बैंड था 255 का और इसका हायर बैंड था करीबन 292 का, तो ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट मिला है विद राइजिंग वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हुआ है। तो पेट्रोनेट एलएनजी पे बाय रखे, 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, इनिशियली थोड़ा सा डीपी रखेंगे, जैसे 300 को पार करेगा स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें 295 पे और रैली को राइड कर सकते हैं फॉर द पोजिशनल टारगेट ऑफ 325-330। लेकिन अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो 308-310 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, यस इट्स अ बाय। जी हाँ,